अब मतदाताओं को अपने वोटर आईडी में हुई गलतियां या बदलाव के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। जल्द ही आप घर बैठे ही ये सारे काम कर सकेंगे। चुनाव को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग जल्द ही एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेगा, जिसके माध्यम से वोटर आईडी में हुई गलती को सही कराया जा सकता है। किसी कारणवश आप एक राज्य से निकलकर दूसरे राज्य के निवासी बन जाते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको आसानी से बदला जा सकेगा। ये मोबाइल ऐप जून 2018 तक लॉन्च की जाने की उम्मीद है। इस वेब आधारित एप्लीकेशन का नाम वोटर्स एरोनेट यानी इलेक्टोरल रोल्स सर्विसेज नेट है। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने बताया कि इस ऐप से अब तक लगभग 22 राज्य जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात और हिमाचल जैसे राज्यों में जहां कुछ समय पहले चुनाव हुए हैं, वहां ये सिस्टम लागू नहीं किया जा सका था। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस सिस्टम से सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जून तक जुड़ जाएंगे। उसके बाद इस सिस्टम को पूरे देश में लागू किया जाएगा। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और कर्नाटक जैसे राज्य विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद इस सिस्टम से जुड़ेंगे। इस ऐप के बारे में चुनाव आयुक्त रावत ने कहा कि मतदाता आसानी से अपने कार्ड में बदलाव कर सकेंगे। मोबाइल पर ओटीपी के जरिए ये बदलाव किए जा सकेंगे। नया पता या नाम में चेंज करने पर पुराना नाम और पता अपने आप डिलीट हो जाएगा। इस प्लेटफॉर्म से देश भर के लगभग 7500 निर्वाचन अधिकारियों के जुड़ने की उम्मीद है। वोटर की तरफ से रजिस्ट्रेशन होने या पहचान में बदलाव किए जाने पर उसके लिए निर्वाचन अधिकारी के पास SMS अलर्ट जाएगा। रावत ने कहा कि सिस्टम से मतदाता सूची में पारदर्शिता आएगी और उसमें डुप्लिसिटी से बचाव हो सकेगा, क्योंकि सभी अपग्रेडेशन डिजिटली होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।